हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 9 अगस्त से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और तथ्यों के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1683 ईस्वी में आज ही के दिन एक आदेश आया था जो कि ब्रिटिश राजशाही ने दिया था, और ब्रिटिश राजशाही ने यह आदेश दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में युद्ध अथवा शांति की घोषणा का अधिकार होगा। सन 1788 में आज ही के दिन गुलाम कादिर ने दिल्ली के सुल्तान शाह आलम द्वितीय की आंख में अपना खंजर घोंप दिया था और उसे अंधा कर दिया था। सन 1831 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका में पहली बार स्टीम इंजन ट्रेन चली थी। सन 1892 ईस्वी में आज ही के दिन थॉमस अल्वा एडिसन ने टू वे टेलीग्राफ का पेटेंट कराया था। सन 1925 ईस्वी में आज ही के दिन क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन लूट ली थी, और क्रांतिकारियों का मकसद ये था कि वो ट्रेन से जो सरकारी खजाना मिलेगा उससे हथियार खरीदेंगे। इस क्रांति में, काकोरी कांड में सबसे मुख्य हाथ जो था वो राम प्रसाद बिस्मिल जी का था। सन 1942 ईस्वी में आज ही के दिन महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन का समय था। सन 1945 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया, जिससे कि जापान अपने घुटनों पर आ गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। सन 1962 ईस्वी में आज ही के दिन जर्मनी के शायर और लेखक नोबेल पुरस्कार हरमैन हीसे का निधन हुआ था। सन 1970 ईस्वी में आज ही के दिन देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और गुमनाम नायक त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती का निधन हो गया था। उन्होंने अपने जीवन के करीब 30 वर्ष जेल में गुजारे थे। सन 1971 ईस्वी में आज ही के दिन भारत और रूस मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सन 1989 में आज ही के दिन तोचकी कैफू जापान के प्रधानमंत्री बने थे। सन 1993 में आज ही के दिन ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का जन्म त्रिपुरा के अगरतला में हुआ था। सन 1999 ईस्वी में आज ही के दिन रूस के राष्ट्रपति बोरिस यल्त्सिन ने प्रधानमंत्री सर्जेई स्टेपसिन को बर्खास्त कर खुफिया सेवा के प्रमुख व्लादिमीर पुतिन को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। सन 2005 ईस्वी में आज ही के दिन नासा का मानवयुक्त अंतरिक्षयान डिस्कवरी 14 दिन की यात्रा के बाद कैलिफोर्निया स्थित एयरबेस पर सकुशल उतर गया था। सन 2008 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय प्रतिनिधिमंडल के समर्थन से मलेशिया के एकता एवं संस्कृति मंत्री मोहम्मद शफी अब्देल को राष्ट्रकुल संसदीय संघ सीपीए का नया अध्यक्ष चुना गया था। सन 2010 ईस्वी में आज ही के दिन बंगाल ने पंजाब को 2-1 से हराकर 11 साल बाद संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता जीत ली थी। सन 2018 में आज ही के दिन संसद ने SC ST एक्ट निवारण संशोधन विधेयक 2018 पारित किया था। सन 2018 ईस्वी में आज ही के दिन संसद ने राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी थी। सन 2018 ईस्वी में आज ही के दिन लोकसभा ने GST से संबंधित 4 कर, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक, समन्वित वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश और सेवा कर संशोधन विधेयक और वस्तु और सेवा कर राज्य मुआवजा संशोधन विधेयक पारित कर दिया था। सन 2018 ईस्वी में आज ही के दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 तलाक विधेयक में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। तो ये थी कुछ आज से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।